अफगानी नमक का कहर, बढ़ते प्रदूषण ने घोटा सबका दिल, अफगानी नमक ने उगला जहर। जी हाँ, दिल्ली की बढ़ती ठंड के साथ साथ प्रदूषण स्तर भी अपने चरम पर है। आलम यह है कि बिना मास्क लगाए घर की दहलीज भी नहीं लांघी जा रही है, तो वहीं बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों को दमा, सांस और ना जाने कितनी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। लेकिन दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के पीछे की जिस वजह का पता वैज्ञानिकों की टीम ने लगाया है, उसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, बढ़ते प्रदूषण के पीछे अफगानी नमक का हाथ है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों ने पाया कि अफगानिस्तान के नमक खदानों से आने वाले धूल कण दिल्ली में वायु प्रदूषकों के स्तर को बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों की टीम ने सोचा कि हवा बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से समुद्री नमक साथ ला रही हो, लेकिन बाद में पता चला कि प्रदूषकों का स्रोत अफगानिस्तान है। दिल्ली में PM 2.5 का करीब 11% कण नमक पाया गया है। दिल्ली की ओर बढ़ते ये नमक वाले कण अफगानिस्तान के उन इलाकों से आ रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर नमक मौजूद है और जहां नमक बनाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की हवा में क्रोमियम और तांबे जैसी धातुओं की मौजूदगी भी पाई गई है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अफगान का नमक न सिर्फ दिल्ली वालों को भारी पड़ रहा है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा को भी जहरीला बना रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।